बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम द रीडर्स हाफिजाबाद। टुडे आवर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, क्लास 3, यूनिट 2, लेक्चर 3, एक्सरसाइज 2.4। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्सरसाइज है, वो है 2.4। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, नीचे दिए गए बॉक्सेस को हम फिल करेंगे। ये क्वेश्चंस एक सीक्वेंस से दिए गए हैं, इन सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम इन खाली बॉक्सेस को फिल करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1, 580 582। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 580 और उसके बाद 582, यानी इन दोनों अमाउंट्स के दरमियान, इन दोनों नंबर्स के दरमियान 2 का डिफरेंस है। तो इसी 2 के डिफरेंस को फॉलो करते हुए हम बाकी बॉक्सेस भी फिल कर लेते हैं। 580 582 586 588 590 592 594। इसी तरह क्वेश्चन 2 है 305 310। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि 5 5 का डिफरेंस है, यानी 5 के बाद यहाँ पे 10 आ रहा है। तो इसी तरह 5 के डिफरेंस को लेकर हम बाकी बॉक्सेस को भी फिल करेंगे। तो 305 310 315 320 325 330 335 340। क्वेश्चन 3, 250 270। तो यहाँ पे 20 20 का डिफरेंस है, 50 के बाद 70 आ रहा है। तो ये 20 का डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को लेकर हम बाकी बॉक्सेस भी फिल कर लेते हैं। 250 270 290 310 330 350 370 390। क्वेश्चन 4, 800 810। तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को लेकर बाकी बॉक्सेस फिल कर लेते हैं। 800 810 820 830 840 850 860 870। क्वेश्चन 5, 50 55। तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, इसी 5 के डिफरेंस को लेकर हम बाकी बॉक्सेस फिल कर लेते हैं। 50 55 60 65 70 75 80 85। पार्ट बी है, राइट द नंबर्स इन गिवन सीक्वेंस। नीचे दी गई तरतीब के मुताबिक इन बॉक्सेस को फिल करेंगे हम। ये क्वेश्चन सेम है जैसे क्वेश्चन ए हमने किया है, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन बी भी करेंगे। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, 105 110। तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, इसी डिफरेंस के जरिए हम बाकी बॉक्सेस फिल कर लेते हैं। 105 110 115 120 125 130 135 140। क्वेश्चन 2, 300 400। तो यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, तो इसी के मुताबिक बॉक्सेस को फिल करते हैं। 300 400 500 600 700 800 900 1000। क्वेश्चन 3, 2000 3000। तो यहाँ पे 1000 का डिफरेंस है, इसीलिए इस 1000 के डिफरेंस के जरिए हम बाकी बॉक्सेस को फिल कर लेते हैं। 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000। क्वेश्चन 4, 440 450। तो यहाँ पे 10 10 का डिफरेंस है, इसी के मुताबिक बाकी बॉक्सेस को फिल करते हैं। 440 450 460 470 480 490 500 510। क्वेश्चन 5, 305 405। तो यहाँ पे 100 100 का डिफरेंस है, तो इस 100 के डिफरेंस को लेकर हम बाकी बॉक्सेस को फिल कर लेते हैं। 305 405 505 605 705 705 805 905 1005। पार्ट सी है, टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। नीचे दी गई
कुछ स्टेटमेंट्स के मुताबिक जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके आगे टिक मार्क करेंगे, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके आगे क्रॉस मार्क करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन। 518 इज ग्रेटर देन 815। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये साइन प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन, इस साइन का मतलब होता है इक्वल, और इस साइन को हम लेसर देन के लिए शो करते हैं। तो क्वेश्चन वन स्टार्ट कर लेते हैं। 518 इज ग्रेटर देन 815। स्टेटमेंट में क्या कहा है उन्होंने कि 518 बड़ी अमाउंट है 815 से। तो चूंकि हमें पता है कि 815 ग्रेटर अमाउंट है, 518 स्मॉलर अमाउंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस मार्क करेंगे। क्वेश्चन टू, 707 इज इक्वल टू 707। दोनों अमाउंट्स इक्वल हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन थ्री, 660 इज लेसर देन 606। 660 स्मॉलर है 606 से, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर, 220 इज ग्रेटर देन 202। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन फाइव, 808 इज लेसर देन 908। तो उन्होंने क्या कहा है कि 808 जो है अमाउंट छोटी है 908 से, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन सिक्स, 901 इज इक्वल टू 109। उन्होंने कहा है कि 901 इक्वल है 109 के, तो ये स्टेटमेंट क्रॉस है, इसलिए इधर क्रॉस मार्क करेंगे। क्वेश्चन सेवन, 365 इज लेसर देन 563। 365 अमाउंट छोटी है 563 से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इधर टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन एट, 674 इज इक्वल टू 467। तो ये दोनों अमाउंट्स इक्वल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये दोनों अमाउंट्स इक्वल हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, इसलिए क्रॉस मार्क करेंगे। क्वेश्चन नाइन, 235 इज लेसर देन 532। 235 अमाउंट स्मॉलर है 532 से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन टेन, 456 इज इक्वल टू 456। तो दोनों अमाउंट्स इक्वल हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इधर टिक मार्क करेंगे। होमवर्क प्रैक्टिस पेज फाइव, पेज फाइव की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।